Good morning, students of semester 6. Now, we have discussed in the previous class the Lord Lytton and Second Afghan War. Dutiye Afghan Yudh Lord Lytton ke Shasan Kal mein. Dutiye Afghan Yudh 1876 में वायसराय बनकर अफगानिस्तान के प्रति अपनी नीति लाई और साथ ही साथ 1874 से 80 के बीच में बेंजामिन डिजिले नामक व्यक्ति जो एक रूढ़िवादिता के द्वारा वाला व्यक्ति था और साथ ही साथ उसने वह अफगान युद्ध के समय उसने अपना अफगान युद्ध के समय संदिग्ध नीति को अपनाते हुए वह गौरवपूर्ण वैज्ञानिक सीमाएं प्रभाव क्षेत्रों के द्वारा बनाए रखने की अपील की थी। साथ ही उसने अफगानिस्तान युद्ध में अनिश्चित तौर पर अधिक निश्चित समानांतर व्यवहारिक संधि करें और अफगानिस्तान और लॉर्ड लिटन जो था वह अंग्रेज गवर्नर अंग्रेज रेजिडेंट को अफगानिस्तान में नियुक्त करना चाहता था, लेकिन जो उस समय के शासक थे वे अंग्रेज गवर्नर या रेजिडेंट की नियुक्ति का घोर विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट, युद्ध के कारण अफगान और अमीर देशों में रेजिडेंट को रखने को तैयार न होना, यह नीति के कारण लॉर्ड लिटन अफगान से संधि करना पड़ा। अफगान से साम्राज्य से संधि करने के लिए लॉर्ड लिटन ने क्या किया कि अंग्रेज रेजिडेंट ठीक है तत्कालीन कुछ समय के लिए मैं नियुक्त नहीं करूंगा, इस बीच एक समझौता तैयार किया गया और 1873 ईस्वी के आते आते शेर अली के द्वारा सभी शर्त को मान लेना पड़ा। शेर अली अफगानिस्तान का शासक था और वह लिंटन के बताए हुए सिद्धांतों को वह आगे बढ़ाता गया। साथ ही रेजिडेंट की अनुमति न मिलने पर उसने असंतोष व्यक्त किया और इस तरह से अफगानिस्तान जो है अंग्रेज का हितैषी न रहा। और सेकंड पॉइंट, लॉर्ड लिटन की धमकी वाली नीति। अगर अफगानिस्तान का सरदार शेर अली उनकी बातों को उनके संधि को नहीं मानता है तो वैसे स्थिति में लॉर्ड लिटन ने अपना आक्रोश व्यक्त किया और उत्तेजित होकर धमकी वाला काम ब्रिटिशर्स करने लगे और अंग्रेज जो थे वह उनकी शक्ति मजबूत करने के लिए इस दिशा में काम कर रहे थे। अफगानिस्तान अगर वह मित्रता करेगा तो रेजिडेंट का होना अनिवार्य होगा और उसी तरह से रिंग ऑफ आयरन के अगर संधि समझौता के तहत रहेगा तो वह रिंग ऑफ आयरन कराएगा। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा क्वेटा 1876 ईस्वी के आते आते लॉर्ड लिटन ने चतुर्थ के साथ साथ उसने खान और सामंतों के प्रति संघर्ष स्थापित किया और साथ ही साथ वे बहुत से बंदरगाह व्यापारिक अड्डों पर उसने अधिकार को अपना कब्जा में लिया। क्वेटा कांधार से फिर संधि की और अपने पावर के बल पर उसने अंग्रेजों द्वारा क्वेटा जो 1876 में था उस पर अपना अधिकार, शेर अली को काफी लड़ाई लड़नी पड़ी। इसके बाद पेशावर में एक सम्मेलन के लिए बुलाया गया। अफगानिस्तान की ओर से
शेर अली ने नूर मोहम्मद को अपना प्रतिनिधि बनाया और अंग्रेज सरकार ने सर लुईस पेल्वी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर पेशावर में सम्मेलन के लिए भेजा गया, लेकिन उसका उद्देश्य था कि इस साम्राज्य में राजा के अलावा अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति हो। यह भी असफल रहा। इसके बाद अफगानिस्तान रूसी राजदूत का आगमन जून 1978 ईस्वी 76-77 के बाद 78 ईस्वी के आते आते रूसी राजदूत का रूसी राजदूत सेंट स्टेफनो अपमानजनक संधि लाद दी गई और रूस ने जबरदस्ती संधि कर ली अपनी शक्ति के बल पर। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में इंग्लैंड के अलावा रूस पुनर्विचार करने पर वह दबाव डालता रहा। शेर अली ने रूसी राजदूत का विरोध किया और चेतावनी देते हुए वह आगे बढ़ता गया और यह संधि धीरे धीरे फेलियोर होते गई और यह भी आगे चलकर यह अपना दबाव बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, अफगानिस्तान में अंग्रेजों के मिशन को स्वीकृति न मिलना। अंग्रेज चाहते थे कि संपूर्ण भारत में हमारा आधिपत्य हो, अफगानिस्तान भी उससे अछूता न रहे और अफगानिस्तान के राजा शेर अली नहीं चाहता था कि ब्रिटिश हुकूमत का कोई भी रेजिडेंसी यहाँ उच्च पद पर रहे और अधिकार अपना जमावे। इस बात को नहीं मानने पर दोनों के बीच में युद्ध के लिए खाई बनती गई। लॉर्ड लिप्टन द्वारा शेर अली को चुनौती। इसके बाद धीरे धीरे कालांतर में समय बदला और समय के बदलते परिवेश में उसने 2 नवंबर 1878 ईस्वी के आते आते लॉर्ड लिप्टन शेर अली से मांग की 20 नवंबर तक क्षमा याचना कर ले या हैरात ब्रिटेन के रेजिडेंट रखने पर सहमत हो जाए तो अंग्रेज उस पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन 30 नवंबर 78 को प्राप्त हुआ कि अंग्रेजी सेनाएं पूर्व अफगानिस्तान की ओर प्रस्थान कर चुकी थी, लेकिन उसके बात को नहीं मानने के कारण अंग्रेजी जो ब्रिटिश फौज थी वह पूर्व अफगानिस्तान की ओर प्रस्थान कर गई। ठीक उसी प्रकार युद्ध के बाद आरंभ होते हुए उसने एक वायसराय के रूप में नई वायसराय की नियुक्ति की गई और दूसरा वायसराय के रूप में नियुक्ति होता है वह लॉर्ड रिपन आता है। उसके पहले युद्ध का आरंभ एवं उस समय की तात्कालीन घटनाएं। शेर अली 21 नवंबर 78 ईस्वी को युद्ध प्रारंभ होता है तो बॉलन खैरर खुर्रम के दरों पर इसने महायुद्ध बर्लिन का अफगानिस्तान की ओर से युद्ध चला और इस तरह से आगे बढ़ता गया और लोग एक दूसरे को कब्जा करके बंदी बनाए और शेर अली चिंतित होकर तुर्किस्तान जाने के क्रम में रास्ते में ही उसका देहांत हो जाता है। उसके बाद गंडमक की संधि, शेर अली के बेटे ने संधि की और संधि के बाद याकूब खां को उत्तराधिकारी बनाया गया और याकूब खां काबुल कंधार हैरात सीमावर्ती प्रदेशों में अंग्रेज शासक के खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद याकूब खां ने जो जो प्रदेश शेर अली के द्वारा अंग्रेज जो छीन लिए थे उस पर पुनः कब्जा करना चाहता था। गंडक की संधि और लॉर्ड लिप्टन ने अफगान नीति की सफलता अपनी चरम सीमा मानी और इस प्रकार से शेर अली को पीटा गया और अफगान लोग हमारा आदर करेंगे। इसके साथ ही भारतीय साम्राज्य में एक वैधानिक तथा उपयुक्त सीमा प्राप्त कर ली
और वायसराय के पद पर इसकी नियुक्ति होती है। अफगान वायसराय के पद पर लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिप्टन के इस तमाम घटना चक्र के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के सत्ता को संभालने के लिए लॉर्ड रिपन की नियुक्ति का प्रस्ताव देकर नियुक्त कर भेजता है और इसे वापस त्यागपत्र ले लेता है ब्रिटिश गवर्नमेंट। लॉर्ड लिप्टन त्यागपत्र देने के लिए गैलस्टोन के लॉर्ड रिपन जब वह भारत पहुंचा तो लॉर्ड लिप्टन ने अपना त्यागपत्र दिया और शेर अली के भतीजे अब्दुल रहमान, काबुल और अमीर के लोग इस शर्त को स्वीकार करते हैं और अंग्रेजी परामर्श के बिना किसी विदेशी शक्ति से संपर्क अंग्रेज के द्वारा अब्दुल रहमान ने इस तरह से अपना मित्र बनाया और वायसराय के रूप में अफगान वायसराय लॉर्ड रिपन की नियुक्ति होती है और नियुक्ति के बाद लॉर्ड रिपन जब भारत का गवर्नर आता है तो किसी भी युद्ध की शुरुआत का बीजारोपण सदियों से छिपा आक्रोश के तहत वह तब तक दबा रहता है कि जब तक कि उसे नेतृत्व करने वाला नेता नहीं मिल जाता। उस समय की तत्कालीन घटनाएं समाज ने ऐसा माहौल हो गया था जिसके कारण लॉर्ड लिप्टन की द्वितीय अफगान युद्ध के बाद बाध्य होकर वायसराय के रूप में लॉर्ड रिपन की नियुक्ति की गई और उस समय भारत का जो भौगोलिक सामाजिक राजनीतिक परिवेश चारों तरफ से वह युद्ध के लिए उपयुक्त बन चुका था। यह गवर्नर के लिए भारतीय जो थे सो यह एक प्रकार का ऐसा माहौल हो गया था कि वैसी परिस्थिति में युद्ध असंभावित था, किसी भी गवर्नर को कंट्रोल करना बस की बात नहीं थी। भारत के कोने कोने में जो राज्य थे वह इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे। नेक्स्ट क्लास में इसके लॉर्ड रिपन के युद्ध के परिणाम और लॉर्ड लिप्टन की क्रिटिसिज्म पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।